फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आधारिक खाद्य वर्ग पार्ट टू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक फूड ग्रुप्स। यहाँ पे मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, जो आप अपने कॉपी में लिखते चलिए और समझते भी चलिए। प्रश्न 26, क्वेश्चन नंबर 26 है ये। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी एवं विटामिन सी है। क्वेश्चन नंबर 27, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस विटामिन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, असंतृप्त वसा किसमें पाई जाती है? असंतृप्त वसा मछली के तेल तथा वनस्पति तेल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, संतृप्त वसा किसमें पाई जाती है? संतृप्त वसा नारियल के तेल तथा ताड़ के तेल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है तथा 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 32, वसा कितने ताप पर ठोस अवस्था में रहती है? वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में रहती है। प्रश्न 33, किस ताप पर वसा को तेल कहते हैं? इसका उत्तर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि द्रव अवस्था में होती है तो वह क्या कहलाती है? वह तेल कहलाती है। ठीक है, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि वसा द्रव अवस्था में रहेगी तो उसको हम कहते हैं तेल। क्वेश्चन नंबर 34, शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 35, हल्का कार्य करने वाले पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 36, हल्का कार्य करने वाली स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? हल्का कार्य करने वाली स्त्री को 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 37, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कठिन परिश्रम करने वाली स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? कठिन परिश्रम करने वाली स्त्री को 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन ए किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए सबसे ज्यादा कद्दू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, पकाने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? अगर आप पकाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा नष्ट होने वाला विटामिन होता है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा विटामिन पाचनशीलता को प्रभावित करता है? पाचनशीलता को प्रभावित करने वाला विटामिन होता है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 42, मांसपेशियों में थकान के लिए कौन जिम्मेदार है? मांसपेशियों में थकान के लिए लैक्टिक एसिड जिम्मेदार रहता है। प्रश्न 43, जेरोप्थैल्मिया किसकी कमी से होता है? जेरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 44, दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में लौह तत्व की कमी होती है। कौन सा लवण रक्त में थक्का जमने में सहयोगी होता है? तो रक्त में थक्का जमने में कैल्शियम सहयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 46, एक गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है?
2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो उसमें हम कहते हैं कि जो एक नॉर्मल स्त्री होती है उसके अगर हम तुलना करते हैं गर्भवती स्त्री से, तो गर्भवती स्त्री को 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 47, उच्च कैलोरी युक्त आहार किसे कहा जाता है? उच्च कैलोरी युक्त आहार 3000 से 4000 तक के आहार को उच्च कैलोरी युक्त आहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, उच्च प्रोटीन युक्त आहार कौन सा होता है, कितने ग्राम का होता है? तो इसका उत्तर है 100 से 125 ग्राम का आहार उच्च प्रोटीन युक्त आहार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 49, सूजन होने पर क्या नहीं देना चाहिए? सूजन होने पर हमें नमक नहीं देना चाहिए रोगी को। क्वेश्चन नंबर 50, खनिज लवण कितने मुख्य होते हैं? खनिज लवण 24 मुख्य होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 26 से 50 तक के क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।